जय हिंद। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुजीत आज शुरू करता हूं एक्सेल में टेक्स्ट कॉलम्स और उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू और उसके बाद कंसोलिडेटेड। देखिए, टेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो यदि आप अलग अलग कॉलम में नहीं टाइप करके, अगर किसी का सर नेम हो गया, उसके बाद मिडिल नेम हो गया, नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ये सारा एक ही कॉलम में आप टाइप किए हैं और बीच में स्पेस दिया, स्पेस जो दिए हुए उसको अगर अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू, कहीं अगर मोबाइल नंबर आप टाइप करते हैं या नाम टाइप करते हैं जो डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट वैल्यू से हट जाएगा। और साथ ही कंसोलिडेटेड का उपयोग करके, जैसे कोई भी अगर काम कर रहा है तो सब विभिन्न विभिन्न मंथ में काम कर रहा है, उसको ऐड करके एक ही में ऐड करना चाहते हैं, कितना अगर गुड्स वो सेल किया, कितना वो कमाया, वो सारा अगर एक ही में हम ऐड करना चाहते हैं तो भी किस प्रकार से देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड के एक्सेल फाइल में, और एक्सेल फाइल में आने के बाद जैसे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, उसके बाद क्या है मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे हो गया यहाँ पे कसीर सागर गणेश बाला साहब, तो ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो इसको अलग अलग करना है। ये स्पेस है, यहाँ से क्या करना है अलग करना है सभी को। तो इसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद डाटा पे आएंगे, और डाटा पे आने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम्स में आएंगे। कॉलम्स में आने के बाद यहाँ है डिलिमिटेड है, अभी हम इसी पे देखेंगे, फिक्स विड्थ पे नहीं देखेंगे, डिलिमिटेड है इसी पे आएंगे। और आने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, क्या कर देंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद इसमें कह रहा है देखिए, यहाँ से जो देखिएगा आप लोग जो सेमी कॉलोन है वहाँ से अलग करना है, या टैब से अलग करना है, या स्पेस है वहाँ से करना है, या अदर अदर किसी भी प्रकार के, यदि आप माइनस का चिन्ह दिए है, गुना का चिन्ह दिए, जहाँ से करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हम टाइप करके कर सकते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल इसमें है जो स्पेस दिया है, तो स्पेस के माध्यम से तो स्पेस पे दे देंगे, और देखिए यहाँ भी दिखाने लगा, और यहाँ से क्या कर देंगे फिनिश। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट नेम पहले में आ गया, उसके बाद क्या है बीच वाला नाम, और उसके बाद लास्ट वाला, तो इस प्रकार से ये हो गया। हाँ, इसको ये करने से पहले है जो अगर आप इसको बांट रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो लाइनिंग दो पैराग्राफ छोड़ना होगा, पहले जो कॉलम्स है दो कॉलम छोड़ना होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो कॉलम्स रहेगा उसमें चला जाएगा, तो इसलिए पहले आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कॉलम्स छोड़ दीजिएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा टेक्स्ट टू कॉलम इसका उपयोग क्यों किया जाता है। बट इसी में एक और रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम ले लेते हैं और यहाँ पे लेकर इसको हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ, तो ये है। लेकिन इसमें क्या, ये मुंबई लिखा है माइनस 413209, ये जो लिखा हुआ है, तो मुंबई अलग और बीच में माइनस, इसको चाहते हैं एक है जो एक कॉलम्स में हो, और इधर वाला जो मुंबई लिखा वो अलग वाला कॉलम्स में, तो इसको कैसे हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहीं आएंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में, और यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ है इस पे आएंगे, और आने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए इसमें किस प्रकार से आप दीजिएगा, यहाँ पे टिक लगाने वाला है, तो यहाँ से हम टिक लगा के अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से टिक लगा के ये अलग फोर नहीं, ये जो माइनस का चिन्ह है, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, मुंबई अलग हो गया, ये माइनस वाला ये अलग कॉलम्स में हो गया, और ये है जो उसका पिन कोड या जिप कोड कहिए जो है जो अलग हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट टू कॉलम्स का उपयोग करके कर सकते हैं। हाँ, इसका उपयोग क्यों किया, कब किया जाता है, जब आप इंटरनेट से एक्सेल में डाटा डाउनलोड करते हैं तो बहुत जगह पे क्या होता है, मोबाइल नंबर, फादर का नाम, ये मदर का नाम, ये सब एक ही में जुटा होता है, तो उस समय आप इसको अलग कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं क्या चीज, तो रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हम यही ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे टाइप है, इसको पहले हम क्या करते हैं क्लीन कर देते हैं, यहाँ से क्लीन हो गया, और यहाँ पे जो ये टाइप है, और ये जो इस प्रकार से टाइप हो गया, इसको और टैब मार के हम डिसाइड कर दिए, ये टाइप है ठीक। इसमें ये अशोक सिंह एक और दे देते हैं, ये इस प्रकार से
हो गया, ए क्या है, कैपिटल है, चलिए हम कैपिटल ही दे दिए। अब इसमें क्या एक ही डाटा दो है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डाटा में आएंगे और डाटा में आने के बाद देखिए रिमूव डुप्लीकेट डाटा, मतलब जो डुप्लीकेट डाटा है इसका उपयोग जब आप मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो मोबाइल नंबर सब ये जो लिख रहा है तो मोबाइल नंबर तो एक ही होता है आधार नंबर, तो उस जगह पे कर सकते हैं क्योंकि वो डाटा जो रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ अगर कुछ और अगर दे दिया जाए डाटा बाय द, यहाँ पे कुछ काउंटिंग में दे दिया जाए, ये जो काउंटिंग में दे दिया जाए इस प्रकार से दे दिया, चलिए इसमें और दे दिया, ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं, चलिए इसमें आकर बॉर्डर लगा दिया, ये तो बॉर्डर हो गया। अब इसमें से हमको क्या करना है, रिमूव डाटा, तो पूरा हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे डाटा में, और डाटा में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट इस पे जाएंगे, और देखिए दोनों है, किस में से, दोनों में से करना चाहते कि एक में से, तो देखिए हम एक ही में से इसमें से करेंगे, क्लाइंट्स नेम करेंगे तो उसके सामने जो है अगर बाय द वे ये एज हो जाएगा तो एज तो ये हो गया 515, इतना एज तो नहीं होता, अगर कुछ भी हो गया तो यहाँ पे जो है पैकेट मनी, तो ये जो अगर दो है तो इसमें से एक अगर हट जाएगा डुप्लीकेट पहले वाला रह जाएगा, बाद में जो रहेगा वो हटेगा, तो हम इसको कॉलम्स जी है इसको हटा देंगे, ठीक है सिर्फ क्लाइंट्स नेम है यही रहने देंगे, ये हो गया। अब ये जो हो गया इसके बाद हमको क्या करना है, इसको ओके कर देना है, तो क्या हो गया ये डुप्लीकेट, ये अशोक सिंह है जो हट गया ना, तो इस प्रकार से यदि आप डुप्लीकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हट जाएगा डुप्लीकेट, ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम डुप्लीकेट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी ली डेट, कौन सी ली डेट इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद जो ये ऑप्शन है कंसोलिडेट, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो अब देखिए ये जो है ये पार्ट नंबर 20 है, यहाँ पे जो सीट है सीट नंबर 20 जो है ये 20 में है, जो 21 20 का जो A1 है 2 है 3 है ये सभी को जोड़ के कहाँ करना है, ऐड करके इसमें करना है, ठीक ये जो 20 का है इसमें इसको ऐड करके ये है, तो ये सभी को ऐड करके हमको इसमें करना है, ये वाला है इसमें, ठीक तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, हाँ ये काम जब ही करेगा जब यहाँ पे जितना डाटा रहेगा उतना ही डाटा सेम डाटा रहेगा, और इसका जो जैसे डेट बाई डेट कौन कितना कमा रहा है या कितना सेल कर रहा है उसको अगर मंथली में ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग कंसोलिडेटेड का उपयोग करेंगे। अब तो देखिए ये है पहले 20 में ऐड करना है, तो 20 में ऐड करना है तो इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे डाटा में, और डाटा में जाने के बाद कंसोलिडेटेड में जाएंगे, चलिए चले आए, और आने के बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है एवरेज काउंट वगैरह, तो अभी हमको सम निकालना है तो सम दे दिए, सम देने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और करने के बाद यहाँ आएंगे, ठीक है 21 का जोड़ना है तो 21 का ले लिए, और 21 का लेने के बाद अब क्या करना है कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है, किसके साथ कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट हो गया, अब इसको ऐड कर देना है, ऐड हो गया, हाँ चलिए उसके बाद फिर क्या है ये इसी पे है, अब जो 20 का एक का तो हो गया, 20 का दो है तो ये भी सिलेक्ट ही है, ठीक फर्स्ट ये सिलेक्ट है सेकेंड भी सिलेक्ट ही है, नहीं होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर क्या है इसके बाद ये 20 का 3 है इस पे आएंगे, ये भी सिलेक्ट ही है, अगर नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको भी ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे है जो 20 में ये सारा का सारा जो ऐड करके आ गया 52,000 है, इसको भी जोड़े और इसको भी जोड़े और इसको भी जोड़े, अब देखिए ये और ये और ये जोड़ दिए, अब इसमें किसी प्रकार के चेंजिंग कर रहे हैं जैसे इसको हम एक कर दिए, तो अब कितना हो गया, अब इसमें तो चेंजिंग नहीं आएगा, बट पहले एक ही बार जो ऐड किए हैं वही काम करेगा, ठीक इसमें चेंजिंग तो नहीं आया है, हाँ यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा, बट सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऐड करेंगे ऐड करने के बाद इसको अगर हम चेंज करेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं किए, फॉर्मूला का यूज करते तब जाके वहाँ पे चेंज होता, तो आज के लिए इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में देखे हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स और रिमूव डुप्लीकेट और उसके बाद कंसोलिडेटेड, ये तीनों ऑप्शन का किस प्रकार से देखे हैं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।